वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अपडेट देंगे बसंत कुंज प्लॉट स्कीम सेक्टर ए में जो ये बसंत कुंज योजना में निकली थी जिसका ऑनलाइन पंजीकरण हुआ था और इसकी जो लॉटरी प्रक्रिया इंदिरा गांधी के प्रतिष्ठान में संपन्न हुई थी। तो दोस्तों, इसमें जिन लोगों का नाम लॉटरी में नहीं आया है तो दोस्तों उन लोग अपने पैसे के बारे में चिंतित हैं कि उनका पैसा कब तक खाते में आएगा और कैसे आएगा, इसका क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ से जानकारी ये मिली है कि पैसा जो है ऑटोमेटिक आपके खाते में आएगा। दोस्तों इसके लिए आपको कोई भी एलडी के ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है और ऑफिस में मतलब कि कोई भी प्रोसीजर अपनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि कोई भी एप्लीकेशन या कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो भी आपने बैंक अकाउंट डिटेल दी है उसी बैंक अकाउंट डिटेल में आपका पैसा ऑटोमेटिक ही वापस आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें मैंने ड्यूरेशन के बारे में पता किया कि कब तक ये पैसा वापस आने की उम्मीद है, तो उन्होंने कहा 2 से 3 महीने लग सकते हैं मैक्सिमम आपके खाते में बसंत कुंज प्लॉट स्कीम का जो आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस और अन्य फीस जो जमा की है ये जो प्लॉट स्कीम के लिए जिनका नाम लॉटरी में नहीं आया है, तो वो पैसा 2 से 3 महीने लग सकते हैं आपको मैक्सिमम आपके खाते में आने तक। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई थी फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और ट्विटर अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ उसे क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। नमस्कार।